गाइस मैं चली घर। गाय दिखाओ, ये गाय रेडी हो रही है। बस बस बस, मुंकू उधर खेल रहा है। ले आओ ले आओ। दीदी घर जा रही है और मम्मी कह रही है मुझे जरूर लेना, तो हम सब जा रहे हैं दीदी को छोड़ने। ये देखो कौन कौन जा रहा है और सब दीदी से मिल रहे हैं। और इस टकली को देखो, टकली अपने कपड़े दिखाओ। आंटी भी आ गई और मैं भी जा रही हूँ गाइस दीदी को छोड़ने। गई आपको पैसा मिल रहा है, थैंक यू बोलो। छोटी मत, चलो पूरी। हमारे गाड़ी में गाइस देखो, एक दो तीन और मैं भी और ये सब कर खिड़की खोल, बंद कर ले और शीशा खोल। बन गई अब तो, बाय। मैं भी जा रहा हूँ नीचे ना। हाँ बस गाड़ी तो पीछे आ जा मेरे पास। गाइस ये देखो सारे लोग छोड़ने आए हैं। आ जाओ बच्चों, पापा जी नमस्ते। मम्मी जी नमस्ते। कौन आना आई? गाइस चल पड़े हैं मम्मी जी घर घूमने। अयोध्या का टूर मार के आएगी मम्मी जी और दी, वहाँ का दिखाएगी आपको जाके। एक बैग इनका मेरे पास भी है, ये देखो छोटा सा, ये देखो। बाय बाय। वहाँ से गाइस के लिए बना के लाना। ये गाइस सामान हो गया रेडी और ये मम्मी जी के पैर छू लेते हैं। ध्यान से जाना मम्मी जी, बस यही चाहिए है? जी देख रही अपने आप को शीशे में। आरव रील देखो, तुम्हारी मम्मी जा रही है। ये मत बोलना कि मम्मी मामा का घर है, देखो ये रहा मम्मी का बैग। रोना मत। आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे दो घर। आशीर्वाद आना चाहिए ना, भगवान करे तो ना वो। बस ठीक है। आंटी भी आ जाएगी। देखो गाइस आंटी भी जा रही है मेरी। ये भैया छोड़ गए हैं इस टाइम तक। सो गाइस ये वो महल है जो सीता माता को मुंह दिखाई में मिला था, कैकेयी कौशल्या माँ ने दिया था उनको। और ये बहुत बड़ा था वहाँ पे, सबसे ज़्यादा यही था। और फिर एक महल ये था, ये भी बहुत ही सुंदर, इसमें पत्थरों की कलंकारी दिखा रखी थी। तो ये वो धर्मशाला थी जिसमें मम्मी जी रुके थे, ये भी किसी महल से कम नहीं थी। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी ये लग रही है, देखो डिज़ाइन भी इसमें। देखते जाओ आप कैसे कैसे मम्मी जी नीचे उतर रही है, कह रही है मुझे चाय पीनी है, मैं नीचे जाके चाय पी के आती हूँ। सबको छोड़ गया, अकेली जाके चाय पी आई। फिर बाद में सबको पता चला तो सब लड़ने लगे, अकेले अकेले चाय पी आई तो फिर ये नीचे उतर ली मम्मी जी। घर आने के लिए भी ये रेडी हो रहे थे उस दिन। और ये वीडियो जो है बीच में लगी, कोई बात नहीं। ये देखो ये धर्मशाला थी इनकी, धर्मशाला भी कितनी सुंदर। फिर इन्होंने किया कीर्तन।
फिर एक गाइस ये महल था एक, जहाँ पे राजा दशरथ बैठक करते थे, ये वो जगह है। फिर मम्मी जी चल पड़ी सर पे कपड़े रख के नहाने, ये वो नदी है गाइस जिसमें राम जी समाए भी थे और यहीं से उत्पन्न भी हुए थे, और पूरी नगरी जिसमें समाई थी ये वो नदी है गाइस, आपने रामायण में देखा होगा। इसका पानी बहुत कितना था, ये चल पड़े घर के लिए। ये देखो ये सारी लेडीज खड़ी हुई हैं, ये सोच रहे कभी कोई नाव छोड़ के चले जाए तो पहले खड़े घर पर घर वाले वेट कर रहे थे सबका। ये भी चल पड़े यार पका बच्चा पकने जल्दी से खरीद ला के, सब एक दूसरे को ढूंढ रही थी। फिर बीच में एक मंदिर और आया, इन्होंने आके फटाफट से दर्शन